सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल D17 व्लॉग्स। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी सुबह की शुरुआत जो कि अच्छी नहीं हुई है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं गैरेज में आया हूँ। आज मैं अपनी एक्टिवा काम करवाने के लाया हूँ, और सुबह सुबह जैसे मैंने अपनी एक्टिवा खोला तो पता चला भाई उसमें गियर बॉक्स का खर्चा आ चुका है, बहुत बड़ा खर्चा। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये हमारा एक्टिवा जरा खुला हुआ है, जो कि ये इसका गियर बॉक्स, इसमें सारे बेयरिंग्स जा चुके हैं। भाई अपने काम कर रहे हैं, बेयरिंग सब निकाल रहे थे जिसमें टूट टूट कर फंस गया। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं जब गाड़ी सर्विसिंग करवाया करता था तो प्रॉपर ध्यान दिया करता, बट कुछ टाइम से मेरा भाई गाड़ी चलाता था तो उतना ध्यान नहीं दिया करता। मतलब गियर बॉक्स में ऑयल बराबर पुट करना चाहिए और जो भी उसका केयर होता है हमें केयर करना चाहिए, बट उसने वो नहीं किया। तो इसलिए मुझे आज काफ़ी अच्छा फटका लगने वाला है। उसमें जितने भी बेयरिंग्स होते, कुछ 6-7 बेयरिंग्स होते हैं, वो 6-7 बेयरिंग पूरे डालने पड़ेंगे हमें, फिर ऑयल डालना पड़ेगा। अगर वो और इतना टाइम हो गया ऑयल नहीं डाल, अंदर पूरा सूख गया। मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर है ना पूरा सूख कर रस्ट लग चुका है, उसमें बहुत महीनों से ऑयल नहीं डाला गया इसलिए। तो अभी उसको निकालने के लिए अगर यहाँ निकल गया तो ठीक है, वरना हमें किधर वेल्डर के पास लेके जाना पड़ेगा, वो कुछ करके निकालेगा। तो जैसे कि पीछे भाई लोग वही ट्राई करें, यहाँ निकल गया तो ठीक है वरना वहाँ जाके। तो ठीक है, अभी आ गया तो क्या हमें करवाना तो पड़ेगा ये भाई, क्योंकि एक्टिवा से हमें बहुत काम होते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम मैं 220 नहीं प्रेफर करता बिकॉज वो एग्जॉस्ट लगा है उसमें, तो एक्टिवा पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वही गाइस, देखते हैं अभी इसमें क्या क्या और खर्चे होने वाले, बिकॉज है इसमें से बहुत सारे काम है जो हमें काम करवाने भी है। पहले गियर बॉक्स करवा लेते, फिर देखते हैं इसमें और छोटे मोटे क्या क्या काम है। तो स्टे ट्यून गाइस। साल से नहीं डाल गए तो क्या होगा? तो ये सब बेयरिंग है, सब बेयरिंग, एक भी बेयरिंग नहीं रुकेगी, सब चल जाएगी। हमारा एक्टिवा का एग्जॉस्ट काफी सही दिख रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने अपने एक्टिवा का एग्जॉस्ट निकाला है भाई। अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस ना है बीच में, इसलिए उन्होंने एग्जॉस्ट निकाला। आई थिंक सो हमें कुछ उनको हथौड़ा से थुकना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए इसको निकाला। ऑल राइट गाइस, सो गाइस फाइनली अब हमारा काम पूरा हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो मैं अपने बिल्डिंग के नीचे आ गया, हमारी एक्टिवा पूरी रेडी हो चुकी है। तो जो कि इसका गियर बॉक्स का काम था वो काम पूरा हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो। तो काफ़ी टाइम लग गया, मीन्स मुझे ये करवाने के लिए करीबन 2 से 2.5 घंटे चले गए, बिकॉज जो मेरा गियर बॉक्स था ना वो इतना ये सूख गया था, बिकॉज उसमें ना मतलब लास्ट कितने महीनों से ना उस गियर बॉक्स में ऑयल नहीं डाला था, तो इसके कारण उसके पूरे बेयरिंग्स के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं वो सब सूख गए थे। तो इसलिए भाई लोग को बहुत मेहनत करना पड़े, तो अच्छा था 2-2, 3-3 लोग मिलके काम कर रहे थे, और ये एक अच्छी बात थी जो फटाफट काम हो गया, वरना और भी टाइम लग सकता था इसके लिए। तो ठीक था, और भी बहुत छोटे मोटे काम करवाए, जैसे कि आगे पीछे लाइनर डालना पड़ा, मेरा मीटर वायर ख़राब था, मीटर वायर डालना पड़ा मेरे को, और पीछे भी ब्रेक वायर डालना पड़ा। तो ये छोटे मोटे काम थे, ये भी करवा लिए हमने, और जो हमारा मेन काम था गियर बॉक्स जिसके लिए हम लोग गए थे, तो ये सब काम हो गया। इसकी टोटल मुझे कॉस्टिंग मत, बिकॉज मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर में करता नहीं, जो कि मुझे बिल मिले तो भी मुझे मतलब छोटा सा पेपर पे उन लोग लिख के देते कि भाई इतना लेबर हुआ, इतने पार्ट्स के लगे और इतना ये हुआ, तो इनका टोटल मेरे को करीबन 2300 रुपीज़ पड़ गया, 2380 रुपीज़ समथिंग मुझे इतना आया बिल उनका। फिर ज़्यादा करके लेबर और लेबर में चला गया, आई थिंक सो उन्होंने 800 रुपीज़ लेबर ही चार्ज किया गियर बॉक्स और जो भी छोटे मोटे काम थे उनके लिए, और बाकी जो बेयरिंग्स वगैरह। और मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई अपना गियर बॉक्स का काम करवाना चाहता है ना, तो भाई वो अपना बेयरिंग अपने साथ ही लेके जाए। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा कि एक्टिवा के अंदर है ना कौन से गियर बॉक्स के अंदर बेयरिंग रखते, बिकॉज उन लोग है ना बेयरिंग पे बहुत गंदा मार्जिन देते हैं। मतलब जैसे कि हमको पता नहीं, बेयरिंग एक साथ 5 या 10 की क्वांटिटी में आता है, उन लोग अपने मन का रेट लेते हैं।
तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि गियर बॉक्स के अंदर कौन से नंबर के बेयरिंग लगते हैं, आपको कौन सा डालना चाहिए, तो इससे आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हो। वरना भाई आपको पता है गैरेज वाले होते ये लूटने के लिए, ऐसा भर के लूटते। एक तो अच्छा है बिकॉज मेरे को नॉलेज है, मैं थोड़े बहुत स्पेयर पार्ट्स में करता हूँ, तो मुझे पता है कि किसी कितने रेट होना चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने उनको ज़्यादा नहीं लेने दिया। वरना भाई उन लोग तो आसमान के इतना रेट बताते हर एक बेयरिंग का। तो गूगल पे भी अवेलेबल होता है, वहाँ पर से भी चेक कर सकते हो। बट मैं भी आपको बोलना चाहूँगा कि आप घर से ही बेयरिंग ले, मतलब आप किसी शॉप से बेयरिंग बाय करके जाना तो आपको क्या थोड़ा रेट में ऊपर नीचे देखने मिलेगा, वरना उन लोग तो भाई सीधा गले मिल के लूट लेंगे आपको। तो वही था आज की वीडियो, बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। I want to reach 1 million.